अरे दीदी, आप इस उबलते हुए पानी में इस कच्चे आम को क्यों डाल रहे हो? अरे आज मैं कुछ बहुत ही बढ़िया सा चटपटा सा बनाने वाली हूँ। वैसे दीदी, इसको आप कितनी देर तक और उबालोगे? अरे बस इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। कच्चे आम उबल रहे हैं, तब तक आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये हमारा प्यारा सा जो वीडियो है देश के कौन से कोने से देख रहे हैं। तो पिछला कमेंट जो हमारे वीडियो पर करा था वो है संदीप जी नोहर से, तो आप भी हमें फटाफट से प्यारे से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी हम अपने अगले वीडियो में ले सकें। तो देखते ही देखते हो गए हैं लगभग 3 से 4 मिनट, बस हम इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। अरे दीदी, आपने ये क्या किया? पहले इसको उबाला, फिर आपने इसे ठंडे पानी में डाल दिया, अब आप करने के वाले हो आगे? अरे बस इसको हम है ना थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं ताकि इसको हम जल्दी से इस्तेमाल कर सके। तो अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो छिलका है, उसको निकाल रही हूँ। अरे दीदी देखो ना, इनका कलर कितना चेंज हो चुका है। पहले ये कितने ग्रीन थे और अब देखो ये बिल्कुल येलो शेड में आ चुके हैं। हाँ, क्योंकि हमने ना इसको पानी में अच्छे से उबाल दिया है इस वजह से। और खुशबू कितनी अच्छी आ रही है इसके अंदर से, और जब ये बनकर तैयार होगा तो और भी ज्यादा मजेदार होगा। अच्छा, तो ये बड़े ही आसानी से उतर जाता है, और क्योंकि हमने इसको पहले ही उबाल लिया है तो इसके छिलके को कुछ इस तरीके से एक एक करके हम सबको हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी अम्बी को छील लिया है और अब हम इसका कुछ पल्प भी कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। दीदी, आप इसे कट करने के बाद इसे मिक्सी जार में डालोगे ना? हाँ, क्योंकि हमें इसका पूरा पल्प निकालना है। अब मैं इसको डाल देती हूँ मिक्सी जार में और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालकर इसका बहुत ही अच्छे से पल्प बन जाएगा। इसको हटा देती हूँ। अरे वाह दीदी, कितना अच्छा लग रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम मीठी मीठी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। तो तुम फटाफट से एक काम करो, सौंफ लेकर आ जाओ। पर सौंफ क्यों डालनी है? इसका टेस्ट तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा सौंफ डालने के बाद। हाँ, इसीलिए हमें सौंफ डालनी है। तुम लेकर आओ फटाफट से सौंफ। ठीक है, ये लो। तो इसमें हम लगभग 1 चम्मच के करीब सौंफ डालेंगे और इस सौंफ की जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आने वाली है। इसको हम हल्का सा भुनने देते हैं, फिर हम ये मिश्रण कच्ची आम वाला जो है ना, जो पल्प है, वही हम इसमें ऐड करेंगे। अरे दीदी देखो, कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बिल्कुल, तो हम इसमें ना लगातार कड़छी चलाते रहेंगे ताकि ये कहीं से जले नहीं। और गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है और ये जो बाकी बचा हुआ पेस्ट है वो भी मैं इसमें कुछ इस तरीके से निकाल दूंगी। ये वाला भी मैं निकाल देती हूँ। अरे दीदी देखो ना, कितना अच्छा और थिक पेस्ट बन रहा है ये। अरे दीदी, ये सब तो हो चुका है, अब इसके बाद इसमें और क्या डालने वाले हो? तो मैं इसमें अभी गुड़ डालूंगी थोड़ा सा, और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी। गुड़ और चीनी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। गुड़ और चीनी का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा दीदी? अरे इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें मैं ना अभी 2-3 चीजें और लेकर आती हूँ जो डलेगी, तू फटाफट से ना इसमें चलाती रह। ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हो कितना प्यारा और कितना अच्छा सा ठीक सा पेस्ट बन के निकल रहा है ये, और हमारा गुड़ भी हो रहा है धीरे धीरे। अब इसका ना पेस्ट देखो कितना अच्छा है, बिल्कुल लाइट गुड़ का बिल्कुल कलर आ चुका है इसके ऊपर। अभी मैं इसमें हल्का सा अदरक को कद्दूकस करूंगी। ये जो अदरक का रस होता है वो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अदरक और इसमें दीदी, कैसा कॉम्बिनेशन आने वाले हो आज आप? बहुत ही बढ़िया वाला बनने वाला है। अभी इसमें हम डालेंगे मसाले, तो मैं फटाफट से मसाले भी निकाल लेती हूँ। तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें काला वाला नमक, और इसी के साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो देखते ही देखते इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, बस हल्का सा गुड़ और मेल्ट होना बाकी है, उसके बाद में इसका कलर जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। अरे दीदी देखो ना, इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। हाँ, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। हाँ, और देखो इसका ना बिल्कुल मिक्सचर बहुत अच्छा बन चुका है, और उसकी की फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी आ रही है। अभी हम इसमें एक चीज और डालेंगे।
इसमें जाएगी किशमिश, और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन अगर डालोगे तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये हमारी तैयार हो गई है कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। जो अरे दीदी ये कितना प्यारा लग रहा है, मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि मैं इसे खा ही लूं। तो आप लोगों को आज की ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।